पहला सेंटेंस है आजकल फैशन जोरों पर है। तो हम पहले समझेंगे फैशन क्या है, ठीक है। तो फैशन तो पता है, फैशन को अंग्रेजी में फैशन ही बोलते हैं। जोरों पर, जोरों पर मतलब एट स्विंग भी कह सकते हैं, हाई एट हाई भी कह सकते हैं। फैशन जोरों पर है मतलब फैशन भैया बहुत हाई फाई है, ठीक है। वो आजकल की अंग्रेजी हो जाएगी नाउअडेज, मतलब हमें बिल्कुल आसानी से बनाना है स्टोरी को, तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फैशन, फैशन इज है, कौन है जोरों पर फैशन, तो फैशन है, तो है के लिए इज। ऑन जोरों पर ऑन फुल स्विंग, ऑन फुल स्विंग, फैशन इज ऑन फुल स्विंग मतलब फैशन जोरों पर है, वो आजकल की मीनिंग हो जाएगी नाउ अ डेज। वेरी गुड, तो सेंटेंस हमारा बना फैशन इज ऑन फुल स्विंग नाउ अ डेज, ठीक है। आप जल्दबाजी के चक्कर में ना रहें कि हमें जल्दी बनाना है। देखो बेटा 10 नंबर की आती है तो 10 नंबर के लिए कम से कम 10 मिनट तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जिन्हें सोचे कि हम जल्दी जल्दी बनाने, हाँ बना सकते हो अगर आप अच्छा अभ्यास करते हो, ठीक है। लड़कियों का तो कहना ही क्या, लड़कियों का तो कहना ही क्या। देखो इस सेंटेंस को बेटा हम दो तरीका से बोल सकते हैं, लड़कियों का क्या कहना या लड़कियों को मत कहिए। तो इसको सेंटेंस में देखो, यहाँ मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, तो यहाँ जैसे हम लिखते हैं लड़कियों का क्या कहना, तो नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ। अब एक नाउन लिख देंगे गर्ल्स, नॉट टू स्पीक ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का क्या कहना। लड़कों का क्या कहना, नॉट टू स्पीक ऑफ बॉयज, ठीक है। टमाटर का क्या कहना, आलू भी महंगे हैं, नॉट टू स्पीक ऑफ टोमेटो और पोटेटो आर आल्सो कॉस्टली, महंगे हैं, ठीक है। किताबों का क्या कहना, तो नॉट टू स्पीक ऑफ बुक्स, ठीक है। इस तरीका से मोबाइल का क्या कहना, नॉट टू स्पीक ऑफ मोबाइल, कुछ भी। तो ऐसे लड़कियों का तो कहना ही क्या, तो आप लिख सकते हो नॉट टू स्पीक ऑफ गर्ल्स, नॉट टू स्पीक ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का क्या कहना। लड़के भी इधर उधर बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनकर मटर गश्ती करते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया मतलब सेंटेंस बढ़िया है। हमने देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, लड़की यानी कि बॉयज। अब भी के लिए आल्सो, इतना तो कर लिया। अब हम जाएंगे सेंटेंस के पीछे, बर हमेश मटर गश्ती करते हैं, तो मटर गश्ती करना लॉयटर, एल ओ आई टी ई आर, लॉयटर। बॉयज आल्सो लॉयटर, लड़के मटर गश्ती करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे कहाँ, पहनकर आगे बढ़े, इससे देखो पीछे से आगे की ओर पहनकर, तो टू पुटोन भी लिख सकते हैं और बियर भी लिख सकते हैं, टू पुटोन, पहनकर क्या, बढ़िया से बढ़िया कपड़े, ठीक है ना। तो बढ़िया यानी अच्छे से अच्छे, तो अच्छे से अच्छे यानी सबसे अच्छे यानी कि बेस्ट, ठीक है। बेस्ट कपड़े क्लॉथ्स। अब क्या बचा, इधर उधर, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। अब बेटा हमारा सेंटेंस क्या बना, नॉट टू स्पीक ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का तो क्या कहना, बॉयज आल्सो लॉयटर टू पुट ऑन बेस्ट क्लॉथ हियर एंड देयर, इधर उधर, ठीक है ना। अब क्या है नेक्स्ट सेंटेंस है, प्रत्येक युवक अमीर हो या गरीब, ठीक है ना। प्रत्येक युवक, तो एवरी प्रत्येक के लिए, एवरी युवक यानी कि यूथ या पर्सन भी लिख सकते हैं, एवरी यूथ, युवक यानी कि जवान व्यक्ति, एवरी यूथ, ठीक है। चाहे, चाहे तो है नहीं है, तो हम चाहे कि इवन एफ नहीं लिख सकते हैं, एवरी यूथ अमीर हो, ठीक है ना, या गरीब यूथ। तो इवन एफ लगाना हो तो लगा लो इवन एफ, रिच और पुअर, मतलब चाहे अमीर हो या गरीब। एवरी यूथ प्रत्येक युवा,
चाहे इवन इफ, यानी कि चाहे अमीर हो या गरीब पुअर हो, अच्छी तरह रहना चाहता है। पीछे पहुंचेंगे, चाहता है, तो चाहता है बॉन्ड्स, चाहता है बॉन्ड्स। अब आगे बढ़ेंगे, रहना, बॉन्ड्स टू लिव, बॉन्ड्स टू लिव, अच्छी तरह। अच्छी तरह क्या होता है? कंफर्टेबल, आरामदायक तरीका से। कंफर्टेबल भी लग सकते हैं या वेल वे, ठीक है ना, अच्छी तरह से, वेल वे, अच्छी तरीका से, या कंफर्टेबली भी लिख सकते हैं टू ले वेल बीच, अच्छे तरीका से रहना चाहता है हर कोई हो। तो इवन इफ रिच और पुअर वांट टू ले वेल वे, या कंफर्टेबली भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? यदि तुम किसी होटल या सिनेमा में जाओ, याद रखना, कहीं भी बेटा चले जाना तुम, चाहे होटल में या सिनेमा में, ठीक है, तो इसको हम बना लेंगे यदि, यानी कि इफ, हो गया। अब देखो ये सत्य कल्पना है, जाओगे, आया ना, जाओगे, गागीगे, किसी भी भाग में आ जाए तो सत्य कल्पना होती, आगे वाला वाक्य बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो तुम किसी होटल या सिनेमा में जाओ, तुम यानी कि यू, सीधे पीछे छलांग मारो, जाओ, गो, इफ यू गो, या विजिट भी लिख सकते हैं, विजिट, भ्रमण करो, जाओ, गो भी, विजिट भी, जो तुम उचित समझो, जो स्पेलिंग तुम्हें आती है, इफ यू गो, यदि तुम जाओ, ठीक है, कहाँ, किसी होटल या सिनेमा में, तो मैं की अंग्रेजी इन, इफ यू गो इन, या इन टू भी लगा सकते हैं, अंदर जाना है तो इन टू, किसी, एनी, होटल और या सिनेमा, सिनेमा, इफ यू गो इन टू एनी होटल और सिनेमा, यदि तुम किसी होटल या सिनेमा में जाओ, समझे, तो देखोगे, अब तुम जाओगे तो देखेगा कौन, तुम ही देखोगे ना, तो देखोगे, तो यू विल सी, तुम देखोगे, ठीक है, तुम देखो, क्या देखोगे, की क्या अंग्रेजी, दैट, क्लियर है। प्रत्येक व्यक्ति अमीरों की तरह डींगे मारता है, और हकीकत बात है बेटा, हर कोई डींगे मारता है, अरे आज मुझे रिक्शा से आना पड़ा, रिक्शा से, एक्चुअली में हुआ क्या, मेरी जो ऑडी गाड़ी थी थोड़ी पंचर हो गई रास्ते में, बट डोंट माइंड, मैनेज कर लूँगा, ठीक है ना, ऐसे डींगे मारेगा, कहीं आज ये होटल का मालिक ना देख ले मुझे, करेगा, अरे भाई साहब आप बड़े दिन बाद आए हो, तुम्हें तो खाना खा के जाना ही पड़ेगा यहाँ से, अब ऐसे डींगे मार देते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं ना जो बनते हैं, डींगे मारते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन, फिर क्या है, पीछे पहुँचो सीधे, डींगे मारना, डींगे मारना, फेंकना, लंबी लंबी फेंकना, बातें करना, बूस्ट, बूस्ट, एवरी पर्सन बूस्ट, प्रत्येक व्यक्ति डींगे मारता है अमीरों की तरह, कैसे, तो की तरह है, एज द, अमीर क्या होता है, रिच, एज द रिच, वाक्य बना, एवरी पर्सन बूस्ट एज द रिच, क्या बच्चा, या राजकुमारों की तरह व्यवहार करता है, या व्यवहार करेगा राजकुमारों की तरह, जैसे कहीं का राजकुमार ना आ गया हो, राजकुमारों की तरह व्यवहार करेगा, अरे एक्चुअली में क्या है, कुछ लाइए बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट चीज जो बनी हो, कुछ ऐसे व्यवहार करेगा, ठीक है, राजकुमारों की तरह, ठीक है, ऐसे व्यवहार करेगा, ठीक है ना, तो या और पीछे पहुंचो, व्यवहार करेगा, करता है, व्यवहार करना, बिहेव, बिहेव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बिहेव्स, आगे बढ़ेंगे, तरह, एज, राजकुमार, द प्रिंसेस, एज द प्रिंसेस, और बिहेव एज द प्रिंसेस, राजकुमारों की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। हर बच्चे को समझना है अच्छे तरीका से, अगर किसी को दिक्कत है तो अपनी जगह पे खड़े हो जाया करो, पूछ लिया करो कि हमें यहाँ पर दिक्कत आ रही है, जहाँ तक दिक्कत तो नहीं आएगी, क्या रही है, नहीं आएगी, चलिएगा। अब देखें, जेब खाली है, जेब खाली, जेब क्या होता है, पॉकेट,
ये तो पता होगा, पॉकेट है इज खाली एम्प्टी, पॉकेट इज एम्प्टी, कुछ नहीं है जेब में, जेब खाली है। पर बट हाथ में सिगरेट अवश्य होगी, जेब खाली रहेगी, सिगरेट लेके बैठ जाएंगे, अरे भैया देखा बड़ा वाला ब्रांड पी रहे हैं सिगरेट, बीड़ी नहीं पीते हैं, बोलो बीड़ी नहीं पीते, मतलब बड़ी वाली सिगरेट पिएंगे कोई अच्छी सी जो होती हो, ठीक है। पर बट सिगरेट, पर हाथ में सिगरेट अवश्य होगी, इट होगी, इट वुड रिमेन, रिमेन यानी कि रहती है, रिमेन होना, इट वुड रिमेन क्या सिगरेट, सिगरेट यानी कि सिगरेट, सिगरेट सिगरेट जरूर होगी हाथ में, इन द हैंड, हाथ में सिगरेट होगी, सिगरेट ले लेते हैं जो लोग क्या है सिगरेट ले लेते हैं, फिर बस लंबी लंबी बातें करते रहते हैं, वो आधी बुझा के जेब में डाल लेते हैं फिर पी लेंगे बोले, ठीक है जी लोग ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है, और दूसरों से मतलब बातें करेंगे लंबी लंबी, सुबह से घर से निकल आएंगे, इनके पास केवल एक आध जोड़ी कपड़े होते हैं साफ वाले, ठीक है, और घर में तो तहमत पहन के घूमते रहते हैं, उन्हें पता है कि एक जोड़ी कपड़े हैं ख़राब ना हो जाएं तो फिर हमें कहीं जाना पड़ेगा, तो पहन के किसी से लेफ्ट वेफ्ट मांग के पहुँच जाएंगे, और बस जेब खाली रहती है, सिगरेट लेकिन जरूर मिलेगी, ठीक है, और बस। ऐसे युवक ऋण में फंस जाते हैं, ऐसे युवक फंसेंगे ही, तो ऐसे युवक कौन फंस जाता है ऋण में, ऐसे युवक सच यूथ, फंस जाना स्ट्रक STURCKS, सच यूथ स्ट्रक फंस जाते हैं ऋण में, इन द डेप्ट कर्ज में, इन द डेप्ट, जहां तक संभव हो, जहां तक एज फॉर एज, जहां तक की अंग्रेजी होती है एज फॉर एज, जहां तक संभव हो, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, जहां तक संभव हो, इट इज पॉसिबल, अपनी आवश्यकताएं कम करो, अपनी आवश्यकताएं कम करो, तो कम करना डिक्रीज घटाओ, इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, ठीक है, तो डिस्क्रीज अपनी योर आवश्यकताएं, नेसेसरीज, ठीक है, डिस्क्रीज योर नेसेसरीज, अपनी आवश्यकताएं कम करो, यदि किसी भी किसी की आवश्यकताएं असीमित होंगी, कोई भी हो, कोई भी हो, यदि किसी की आवश्यकताएं असीमित होंगी, यदि इफ किसी की आवश्यकताएं, तो किसी कर्ता कौन है, किसी की आवश्यकताएं, तो आवश्यकताओं की मीनिंग क्या बनाओगे, नेसेसरीज, और की अंग्रेजी ऑफ किसी की, एनी वन, इफ नेसेसरीज ऑफ एनी वन, यदि किसी की आवश्यकताएं असीमित होंगी, इज असीमित क्या होती है, सुना होगा तुमने एक वर्ड अनलिमिटेड, सुना, जियो का प्लान, किसी एयरटेल का प्लान, कोई भी प्लान होता है, बोले भैया सुनो तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड बात करो, कुछ तो बच्चे इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, अनलिमिटेड मिल गया भैया, रात दिन यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे बस चार ठो टेढ़ी मेढ़ी मुँह करके फोटो खींच मारी, स्टेटस पे लगा दी, ले हम बोले मोबाइल चलाते हैं, क्या चलाते हैं मोबाइल, ठीक है, अच्छा बच्चे मुझे अधिकांशता ब्लॉक कर देते हैं, सर जी को नहीं हम जोड़ेंगे, सर जी सब देखते रहते हैं कैसा क्या है, ठीक है, लेकिन गलत बात है, उसका सदुपयोग करो, यूट्यूब वगैरह है इस पर पढ़ो, ठीक है, इफ नेसेसरीज ऑफ एनी वन, यदि किसी की आवश्यकताएं इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, तो वह उचित या अनुचित रूप से धन कमाएगा, स्वाभाविक सी बात है, उसकी आवश्यकता है अनलिमिटेड, उसको पर डे 1000 रुपया चाहिए खर्चा के लिए, तो कहाँ से लाएगा, कुछ ना कुछ तो
करेगा अनुचित या उचित या अनुचित, जो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वह ही कमाएगा बिल, कमाना अर्न, ही विल अर्न, वह कमाएगा क्या उचित या अनुचित रूप से। तो उचित इडियम्स आ गया है बाय हुक एंड बाय कुक्स, क्रुक है क्रुक्स, बाय हुक्स और बाय क्रुक्स, उचित और अनुचित रूप से, ठीक है। हाँ, तो अब आपको ये स्टोरी काफ़ी समझ में आई होगी, एक बार और देख लेना अगर नहीं समझ में आई है, और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर देना।